गुड मॉर्निंग, और आज है ट्यूसडे। तो अभी हम कर रहे हैं व्लॉग, और सुबह का टाइम है। तो रख रखी है चाय, और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये चाय मैंने नहीं रखी है भाई, ये रखी है मेरी माँ ने। और मैं तो सो रही थी, सुबह का टाइम था। रात को एडिटिंग करके थक जाती हूँ मैं, बच्चों को भी देखती हूँ, तो मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, साफ सीधी बात झूठ की बोलूँगी। और तो माँ ने मेरे लिए स्पेशल व्लॉग बना के, तो उन्होंने मेरे लिए वीडियो बना के तैयार रखी थी, जिससे कि मैं ऐड कर लूँ। डाली है इसमें अदरक, जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि अदरक से हम अपने गले को बचा के रख सकते हैं। और उन्होंने चाय मसाला भी डाला था जो MDH का था, तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और होममेड भी बना सकते हैं भाई। तो आज ब्रेकफास्ट में बनने वाला है दाल वाला पराठा, जो कि हम लेफ़्ट ओवर दाल यूज़ करते हैं। तो माँ ने इसमें बनाया डाला है दाल जो लेफ़्ट ओवर बची थी कल की रात की, उसमें था लौकी भी थी, और कलौंजी डाली है, अजवाइन डाली है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखती है, और क्या है ऐड कसूरी मेथी जिसकी फ्रेग्रेंस माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है, और नमक और मिर्च और धनिया पाउडर, और ये सब हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, जो कि मेरे को तो आता नहीं है करना, मतलब मेरे से दाल वाला आटा नहीं होता रेडी, तो माँ ही करती है रेडी। तो ये हमने उसको थोड़ा सा गूँथ के रख लिया है साइड। अब वॉश कर रही हैं माँ आलू, क्योंकि आज बनाने वाले हैं हम दाल वाले पराठे के साथ सूखे आलू, और आप उसको चटनी के साथ दही के साथ खाएं, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी लगने वाला है आज का ब्रेकफास्ट तो भाई। और बॉईल करने रखेंगे अब हम आलू को, और आलू हमारे बॉईल हो चुके हैं, देख लिया आपने, हमने उसे पील ऑफ भी कर लिया है और उसके बाद उसे कट भी कर लिया है। और अब यहाँ पे शूट मैं कर रही हूँ, और यहाँ पे हमने डाला है एक कटोरी में नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, और डालेंगे लाल मिर्च। और यहाँ पे हमने कट वट करके पहले से ही रेडी कर लिया है मिर्च, हरी मिर्च, धनिया और लहसुन और अदरक। अब हम जो हमने मसाले डाले थे एक कटोरी में, उसको हम पानी में मिक्स कर लेंगे, जिससे कि हम सूखा मसाला इसलिए ऐड नहीं करेंगे सूखे आलू में, क्योंकि वो जल जाएंगे, तो हम इसलिए हम इसमें पानी डाल के मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्सचर बना लेंगे। और हमने कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल, और उसमें डाल देंगे हम अब हींग, MDH की हींग यूज़ करी है हमने, और उसके बाद हम डाल देंगे उसमें जीरा जो हमने चॉप करके रखे थे, अदरक और लहसुन और हरी मिर्ची, और वो जो हमने मिक्सचर बना के रखा था वो भी हम उसमें ऐड कर लेंगे। अभी जो हमने इसमें बेसिक मसाले ऐड किए थे वो हम अच्छे से पका लेंगे, जिससे कि वो कच्चे ना रहें। ये देखिए हम अब अच्छे से भून रहे हैं, अब उसके हम बाद ऐड कर देंगे उसमें बॉईल करे हुए आलू। और जब हम आलू को मिक्स करेंगे मसालों में, तो अच्छी तरीके से करें, जिससे कि एक तो वो सारे मसाले उसमें रच जाएं, बस जाएं, और उसके बाद वो आलू टूटे भी नहीं, इसलिए आराम से ध्यान से करेंगे। तो आलू हमारे बनके रेडी हो चुके हैं गाइस, और अब उसे हम गार्निश करने के लिए ऊपर से हरा धनिया कट करा हुआ हम उसमें ऐड कर देंगे, इससे ये देखने में तो बहुत टेम्पटिंग लगेंगे और साथ में इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो आप देख सकते हैं हमारे आलू कितने स्वाद दिख रहे हैं, और भाई खाने में भी बहुत ही टेस्टी थे। और अब हम बना रहे हैं दाल वाला पराठा, दाल के आटे का पराठा। ये देखिए कैसे बनाते हैं, हमने पहले उसे बेला है, उसके बाद उसमें हल्का सा ऑयल लगाया है, उसके उसमें हम फिर उसके बाद उसको ट्रायंगल शेप दे देंगे, और उसके बाद उसको हम बेल लेंगे, और ये हमारा पराठा बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। अभी आप देखना, हमने इसको पराठे को तवे पे डाल दिया है, और उसके बाद हम इसको अच्छे से सेक लेंगे, और हमारा पराठा भी रेडी है। तो हमारी ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, आप इसको दही के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, और ये मैंने यहाँ पे आंवले की खट्टी मीठी चटनी इस्तेमाल करी है, जो कि बहुत ही टेस्टी है, और आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा ये प्लेट देख के। आज हमारे घर में पूजा थी शीतला माता की, आज के दिन पूजा होती है, तो उसके लिए ये गुलगुले बनते हैं, और
ये दाल दी जाती है और भगवान जी के आगे प्रार्थना की जाती है। यम, बहुत टेस्टी है ये। गुलगुले बोलते हैं इनको। अगर आपको रेसिपी जाननी होगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलें। वैसे ये मैंने नहीं बनाया है, मेरी माँ ने बनाया है, जो कि मेरी मदर इन लॉ हैं, और वो बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं, बहुत टेस्टी है। उनको कुकिंग बहुत अच्छी आती है, मैं भी उन्हें से ही सीखती हूँ। मतलब परफेक्ट नहीं हुई हूँ अभी मैं, पर जो भी बनाती हूँ अच्छा लगता है सबको घर में। और अगर आपको कोई भी कुकिंग की टिप्स जाननी होगी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, मौसम देखिए आप शिमला का कितना ख़तरनाक हो रहा है। ये इतनी बारिश हो रही है और अभी बारिश रुकी है, ये थोड़ी देर बाद मैंने बनाई थी वीडियो। फिर कितना बोरिंग टाइम हो रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। घर में बैठे बैठे बोर हो गए हैं, टीवी देखने का मन नहीं कर रहा, फ़ोन चलाने का मन नहीं कर रहा, बाहर देख रहे हैं तो बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। कब ठीक होगा ये सब कुछ? प्लीज़ आप भी भगवान से प्रार्थना करो, जो जिसको भी आप मानते हो, प्रार्थना करो कि सब कुछ ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। बहुत बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है जो भी हो रहा है। चलो यार गाइज, मैं यहाँ ये वाला व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग बनाऊँगी बाद में, क्योंकि कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा, बिल्कुल मन नहीं कर रहा कुछ भी एडिटिंग करना, कोई व्लॉग बनाने का दिल नहीं कर रहा है। तो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। बाय। Thank you.